केदारनाथ की भाई चढ़ाई शुरू कर रहे हैं यहीं पे। गौरीकुंड पूछ गए हैं केदारनाथ 16 किलोमीटर। अभी तक तो चढ़ाई नॉर्मल है, आग जा खड़ी चढ़ाई आ जाए भाई। भाई केदारनाथ में जाना है, रास्ते में जाते पड़ेगा, बहुत खूबसूरत है और भाई भीड़ ज़्यादा भीड़ नहीं है, नॉर्मल भीड़ है, जरूर आइए सारे भाई। अगस्त में सीजन ऑफ हो जाता है। ये देख लो भाई चढ़ाई, भाई ये भीमबली रह गया 200 मीटर और नीचे जमीन दिख नहीं रही, बाकी आगे क्या दिखाते हैं। ये भीमबली पहुंच गए भाई अपने, इसके साथ अपनी मैगी आ गई है, यहाँ करेंगे अपना नाश्ता, फिर आगे बढ़ेंगे, चाय और राजा है और वे दोनों पीछे रह रहे हैं अभी, वे अभी तक आए नहीं है। हिस्सा क्या रूट थोड़ी देर में बताऊँ ये। तो भाई केदारनाथ में चलना है, भाव इसका बहुत ही है, अभी इधर निकल जाएगा। ये केदारनाथ की बैक साइड है भाई और यह भीम सला है, दो बाढ़ आई थी जब यह ऊपर से पहाड़ पर आई थी और यहाँ इसने आके मंदिर का बचाव कराया था, इसकी वजह से पानी दो भागों में बट गया था, एक लेफ्ट में एक राइट में, मंदिर के ऊपर से निकल गया था पानी, मंदिर का नुकसान नहीं हो पाया था, इसको भीम सला कहते हैं। और इधर ये स्वर्ग की पैड़ी है, इधर वो तो बोलते हैं। ये केदारनाथ की आरती शुरू होगी भाई, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आगे और भाई इसी के ब्लॉग के चलते साथ भाई आखिरी ब्लॉग आ चुका, केदारनाथ पहुंच गए हैं। जय श्री केदारनाथ की।